हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। आज की वीडियो में देखेंगे बेड की बैक वॉल पे यूवी शीट और WPVC पैनल के साथ किस तरह से डिजाइन किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने WPVC पैनल को यहाँ पे पहले से लगा दिया। यहाँ पे हमने पांच पांच WPVC पैनल दोनों साइड लगाए, यानी 30 इंच हमारा ये कवर कर चुका है। अगर हम बात करें इसकी जो चौड़ाई होती है 6 इंच की होती है, 6×5=30, यानी 2.5 फुट का उस साइड लगाया, 2.5 फुट का उस साइड। इसके बीच का जो एरिया बचता है वहाँ पे हम लगाने वाले हैं यूवी मार्बल सीट। यहाँ पे बीच वाला एरिया, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। दरअसल इसको पेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सिलिकॉन हमारे पास है इस, और सिलिकॉन के साथ इस एरिया में, जो एरिया में आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में हम लगाएंगे यूवी मार्बल सीट। देखो, दरअसल कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे जो इसकी बैक होती है, बैक पे अच्छी तरह से लगा लेना होता है हमारे पास सिलिकॉन के बाद हमने इसको उस तरह यहाँ पे पेस्टिंग कर देना होता है। देखो, एक शीट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, दूसरी शीट को पेस्ट करते हुए आपको यहाँ पे दिखाता है। दरअसल 2-2 फुट के अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है। एक जो शीट्स होते हैं उसको बीच में से काट के 2 फुट इसको हम कर लेते हैं तो वो आसानी से चकने के बाद हम इसको लगा सकते हैं। देखो, दरअसल यहाँ पे हमने सीट लगा दी है, सीट बिल्कुल अच्छी तरह पेस्टिंग कर दी है। पेस्टिंग के बाद दरअसल हमारे पास यहाँ पे जो हमारा जोड़ होता है, इस जोड़ पे हम लगाएंगे जो हमारी वो आती है, कहते हैं टेपिंग आती है, गोल्डन कलर की टेपिंग यहाँ पे हम लगाएंगे। सीट को दोस्तों जिस टाइम लगाना है, अच्छी तरह इसके बैक में सिलिकॉन को लगा के और इसको अच्छी तरह से पेस्ट करना होता है ताकि हमारी ये सीट दोबारा से हिले ना। देखो, सीट लगाने के बाद इसके ऊपर हमारा एक पेपर चढ़ा होता है, कवरिंग पेपर होता है, जिससे स्क्रैच वगैरह ना, उसको हमने से निकाल देना होता है। सीट सूखने के बाद इसको दोस्तों निकालना है, गिल्ली सीट पे मत निकालना, क्योंकि अगर गिल्ली पे लगाएंगे तो उतारेंगे तो हमारी सीट को फटने के चांस है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम अच्छी तरह से हमारी सीट लग चुकी है और दोनों साइड हम देखते हैं WPVC पैनल हमने यहाँ पर लगाए हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी हमारी ये बैड बॉल जो है बन चुकी है। अगर वायरिंग आप देखते हो, ये वायरिंग लटकी हुई है, यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोफाइल लाइट या कोई भी लाइट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। दरअसल प्रोफाइल लाइट ही इसके अंदर 17 mm की जो प्रोफाइल लाइट होती है वो यहाँ पे अच्छी तरह से यूजिंग कर सकते हैं। ये देखो, पूरी जो हमारा कवरिंग होता है, कवरिंग को उतार देना है। कवरिंग को उतारने के बाद जो हमारे पास गोल्डन कलर की टेप की, जैसे मैंने बात करी थी, गोल्डन टेप को हम किसी भी तरह का हम जैसे डिजाइनिंग के हिसाब से लगाना चाहते हैं इसको, जोड़ को कवरिंग करने के लिए और इसको एक अच्छी लुक देने के लिए, इसको जैसे अगर हम लुक देना चाहते हैं इसमें अच्छी लुक, हम इसके साथ जो हमारी सीट होती है, सॉरी जो टेप होती है, टेप के साथ हम दे सकते हैं इसमें। देखो दरअसल हमने ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन लगाई, फिर हमारी टेढ़ी लाइन लगाने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइनिंग दिया है। देखो, बहुत ही प्यारा डिजाइन हमारा दोस्तों ये बन चुका है। दोस्तों, इसी तरह का कोई भी आप काम कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए मोबाइल नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा जो काम करते हैं हम चंडीगढ़ के नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक हम पूरा काम जो इंटीरियर का करते हैं, जिसमें कि PVC वॉल पैनलिंग हो, किसी भी तरह का काम हम जो है आप करवा सकते हो हमारे से। ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बेड की बैक बॉल हमारी बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही अच्छी ये बेड बॉल हमारी बन चुकी है। देखिए दोस्तों, बीच में अगर देखते हो मार्बल लुक में हमारा WPVC पैनल हमने लगाया है। जैसे टेप की मैंने बात की, टेप के साथ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हमने यहाँ पर दे दी है। ये देखिए दोस्तों, और WPVC पैनल हम दोनों साइड्स में जैसे कि हमने 30-30 इंच के यहाँ पे लगाए। अगर बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, हमारी जो ये वॉल है, जो वॉल है, ये है हमारी करीबन 11 फुट की वॉल के ऊपर हमने यहाँ पे काम किया है। देखिए दोस्तों, WPVC पैनल की बहुत ही अच्छी ग्रे कलर में हमने यहाँ पे WPVC पैनल लगाया है और बीच वाला जो है ये भी ग्रे एंड वाइट में हमारी सीट यहाँ पर लगी है। दोस्तों, विश्वास है आपको हमारी ये वीडियो, हमारे काम करने का तरीका अच्छा लगा। अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।